हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। आज का सुबह हो चुकी है पंजे के साथ। ये बहुत ज़्यादा रो रहा था। इसका नाम है धवल। ये देखो, ये यार बहुत ही ज़्यादा रो रहा है। तो आज कहीं जाने का प्लान तो है नहीं, मतलब यहीं गांव में घूमने का प्लान है। दीदी का गांव है यहाँ पे, मतलब दीदी जो रहती है, और यहाँ पे एक जो कार भी पड़ी है जो दीदी चलाते हैं, वो रही दिखाता हूँ बैक कैमरे से। और चलते हैं आज कहीं घूमने का प्लान है, नहा धो के चलते हैं। तो यार सुबह की कितने बजे हैं, तो वो कार है जो जी चलाते हैं, इनोवा क्रिस्टा, जो भी न्यू मॉडल है ना वो वाली है। और एक न्यू मॉडल आने वाली है शायद, वो लाएंगे अभी उसके बाद, क्योंकि ये ऑटो गियर नहीं है, वो दूसरी है, वो ऑटो गियर है। तो चलो मिलते हैं गांव में घूम के बाद, क्योंकि जीजू भी चले जाएंगे तो मैं मामू के घर पे चला जाऊंगा। हाँ, यहाँ पे अकेले बैठे बैठे बोर हो जाता ना यार। और यही है सो गया छोटू, छोटू छोटू सो गया। निकल चुका हूँ अभी पांची को सुला के, अभी जा रहा हूँ मामा के घर पे। वहाँ से उनका बाइक लूँगा, बाइक लेके मौसी के घर जाना है, कि उनकी गाय है जो बाहर घूम रही है। जी हाँ, वो उनकी गाय है जो बाहर घूमती है, मतलब उनके जो मेरे जो मासी के लड़के हैं ना, वो छोटा है तो वो उनको तंग करता है, आने देता बाहर, और वो गाय बाहर खड़ी है। तो अभी मैं जाऊँगा, वो गाय अंदर डालूँगा, फिर जाऊँगा मामा के पास, फिर मिलता हूँ आपसे। देख लो गाइस, ऐसा चलता है खेतों के बीच बाइक। ओके ओके ओके, ये है वो जगह गाइस, ये है वो जगह जो सबसे खतरनाक है, और ये है वो सबसे खतरनाक राइडर है जो कि मेरे मामू है। और ये सबसे खतरनाक जगह है जहाँ से हम लोग बाइक निकाल रहे हैं, और ये हमारी हायाबुसा सबसे खतरनाक जगह से निकल रही है गाइस। तो कभी ऐसी जगह पे चला के मेरे को वीडियो शेयर करना कि ऐसी जगह पे पक्का बाइक चलता है, सिर्फ ये हायाबुसा ही चलती है गाइस। ठीक है, तो हम लोग जा रहे हैं अब, यहाँ पे चढ़ेगी बाइक सीधा। चढ़ा दो मामू, चढ़ा दो, जोर से बोलो। ओ देखो गाइस, ये हुआ सबसे खतरनाक वाला रास्ता स्टार्ट, और ये जो है वो कांटे हैं, बहुत ही खतरनाक कांटे हैं। ओ भाई, हम लोग जा रहे हैं, वो सामने गाय देख रहे हो, गायों के पास जा रहे हैं, लेकिन नॉट पॉसिबल गाइस, दिस इज नॉट पॉसिबल। ओके, ये इतना भी अच्छा रास्ता नहीं है गाइस। ये है वो फल जो फ्रूट है, जो शायद आपकी भाषा में पता नहीं हिंदी में क्या है बोलते हैं, और गुजराती में तो इसे चिबड़ा बोलते हैं, चिबड़ा तरबूज जैसा होता है, मस्त टेस्ट होता है। ये देखो मामू और लिखा है, ये भी एक नंबर है मामू, और बहुत सारे, ये सारा खेत में ऐसे ही पड़े हैं। हाँ हाँ, आ जाओ, चलो खाते हैं, टेस्ट करते हैं कैसा है ये वाला। गाय के पास आ चुके हम लोग, देख लो वो खा लिया है, मस्त था, एक नंबर मज़ा। गुजरात आओ तो कभी ट्राई करना, उसको चिबड़ा बोलते हैं हमारे गुजरात में, बाहर तो पता नहीं क्या ही बोलते होंगे, मेरे को जहाँ तक पता है, पता नहीं वहाँ तो नहीं बोलते हैं, और तरबूज को तरबूज ही बोले वो तो पता है, इसको पता नहीं क्या बोलते हैं, चिबड़ा बोलते हैं हमारे में तो, हिंदी में पता नहीं क्या बोलते हैं, गुजराती में चिबड़ा बोलते हैं। तो आओ तो कभी टेस्ट करना, किसी को बोलना चिबड़ा दो ना भैया। गुजरात के कच्छ में हैं हम लोग कभी, ठीक है, फिर कहीं भी जाओगे चिबड़ा मांगोगे तो पता नहीं होंगे या नहीं होंगे इसलिए। और ये देखो नज़ारा। हेलो गाइस, कैसे हो? दूसरा दिन हो चुका है, वो कल का व्लॉग एकदम कंप्लीट नहीं करवाया था, तभी सोच रहा हूँ कि थोड़ा बड़ा व्लॉग दिखाऊँ, बड़े वाले जो कि होते हैं ना, बड़े वाले, बड़े क्रिकेटर जैसे दिखाते ना 10-10 मिनट के, अब बनाने की कोशिश करते हैं यार, बट अभी क्या करें। अभी मैं आया हूँ गांव के बाहर है, ये जगह बहुत ही बाहर है, और वहाँ जा रही है गाय, वो सारी गाय है जा रही है। बस तो ऐसे ही, यहाँ पे मामू एक साथ आया था, तो मामू भी पीछे गए हैं उस साइड, कुछ पैसे वाले हैं वहाँ पे जो खड़े हैं, उनको निकालने के लिए बाहर निकालेंगे उनको, और उन सबको बाहर निकालने के बाद आएंगे और लेके जाएंगे, और कुछ नहीं था, बस नहीं था। हाँ, बाइक लेके गए अंदर वो। हाँ, हमारे यहाँ पे बाइक होती है ना,
मतलब जो गांव में रहता है आपको उसे पता ही होगा कि वो कहीं भी घुसा सकता है बाइक, ऐसे ही होते गांव वाले सब। ये है बाहर का नज़ारा भाई साहब, क्या हवाएं चल रही एकदम ठंडी ठंडी, क्या मौसम हो रखा है एकदम मस्त वाला, देख पाओ ना भाई एकदम मज़ा आ जाएगा। कभी गांव में घूमने के लिए जाना,